जी अब हम देखते हैं इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या हैं, ठीक है, और वो हमारे पास, बल्कि इसी को ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट। ये आपने देखा प्लस यहाँ पे होता है, फिर मैं इसको कर देता हूँ 99 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपके पास डिवाइड का ऑपरेशन है 11, फिर आपके पास मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो मॉड्यूलस ऑपरेटर है जो कि रिमाइंडर देता है आपको, रिमाइंडर जो आपका बाकी बचता है ये रिमाइंडर आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन सी प्लस प्लस और जावा वाले हैं। तो बाकी इसके अंदर ये भी अवेलेबल है आपका नम वन प्लस प्लस, दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसी तरह आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। यहाँ अगर मैं नम वन करूँ प्रिंट तो ये 100 आएगा, फिर हमारे पास डिक्रीमेंट है सेम, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, नम वन प्लस प्लस, सॉरी प्लस प्लस नम वन प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। फिर आपके पास असाइनमेंट के लिए दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल नम वन प्लस इक्वल्स टू 10, तो ये आपको स्टेटमेंट पता है, दिस स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू नम वन प्लस दिस इज इक्वल्स टू नम वन प्लस 10, तो ये बिल्कुल सी प्लस प्लस वाली इसके अंदर ये चीज़ है, कोई नया काम इसके अंदर नहीं है। तो ये आपके पास ये सारे ऑपरेटर अवेलेबल हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल वेरिएबल का और इसके जितने भी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उनका टॉपिक। तो लेट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें अब हम कंट्रोल फ्लो को देखेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको अब हम देखेंगे।